देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज MGM मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड के अस्पताल के OPD सेवा का शुभारंभ और नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बालीगुमा के मौजा गौड़ा गोड़ा में जिला प्रशासन की ओर से अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। CM हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:10 पर बालीगुमा के मौजा गौड़ा गोड़ा में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड में उतरेगा। दिल्ली में कई जगहों पर 30 सितंबर से BNS की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू की गई है। बता दें कि ये धारा आज भी लागू रहेगी, कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश दिए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान आज कराया जाएगा। बता दें कि हरियाणा में आज सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में दमोह के सिंग्रामपुर में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सीतानगर हवाई पट्टी, नर्मदा सुनार, कोपरा नदी लिंक परियोजना और सिंग्रामपुर में PPP मोड पर रिजॉर्ट बनाने की मंजूरी मिल सकती है। आज शाम 7 भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। नड्डा करीब 4 तक जयपुर में रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शाम 7:30 से देर रात तक बैठक लेंगे, जिसके बाद रात को ही वापस चले जाएंगे। इस दौरान वे सदस्यता अभियान और उपचुनावों को लेकर भाजपा नेताओं से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना की 18वीं किस्त आज जारी होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसे जारी करेंगे। इसका लाभ 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार हर 4 के बाद किसान सम्मान योजना की किस्त जारी करती है। साल में 3 ये राशि किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाती है। बोकारो जिले में एंजला ऑर्चरी सेंटर बोकारो की ओर से आज भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महान खिलाड़ियों का एक प्रदर्शनी मैच आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य मोबाइल का नशा छोड़ो, मैदान की ओर चलो है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजला सिंह ने कहा कि आप अपने बच्चों को मैदान में लाएं और खेल के प्रति प्रोत्साहित करें, जिससे बच्चों का तन मन स्वस्थ रहेगा व जीवन के हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से स्टेनोग्राफर एवं पर्सनल असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड तुरंत ही RSM SSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं RSM SSB की ओर से परीक्षा का आयोजन आज निर्धारित केंद्रों पर करवाया जाएगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव आज होने वाले हैं, जिस वजह से राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आज हरियाणा में स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस बंद रहेंगे। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के CM भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने हरियाणा में मतदाता के रूप में पंजीकृत अपने कर्मचारियों को भी आज छुट्टी देने का ऐलान किया है। सीकर में लगातार मौसम साफ रहने से न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल आज सीकर में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1805 में भारत में ब्रिटिश राज के दूसरे गवर्नर जनरल व कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में निधन हुआ था। आज के दिन 1864 में कलकत्ता शहर में चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। आज के दिन 1946 में पहले कान फिल्म समारोह का समापन हुआ था। आज के दिन 1964 में पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का जन्म हुआ था। आज के दिन सन 2011 में भारत ने दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपए का टैबलेट PC आकाश लॉन्च किया गया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।